हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे अच्छी तरह से उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। कोरोना काल में, कोरोना काल में पढ़ाई भी करना है और साल भी खराब नहीं होना है। जरूरी है कि बच्चों क्लास तो आ नहीं रहे आप, तो हम सब अध्यापक मिलके आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम स्कूल से ही वीडियो बना के आपको YouTube के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से आपके पास भेज रहे हैं, और आप बिना नागा किए, बिना देरी किए हुए उनको देखिए, पढ़िए, बार बार देखिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, या फिर दोबारा तीन बार देखने की वीडियो कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में बहुत जरूरी है कि आएगा। तो आइए, मैंने आपको क्लास 12 का पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने आपको छोटा सा मैंने आप पार्टनरशिप क्या होता है, कौन सी एक्ट से चलता है, वो मैंने आपको बताया था। अब मेरे बच्चों, अब आपको मैं ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप दो तरह से होता है। या तो होता है पहला पार्टनरशिप कि अगर हम उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है, और एक पार्टनरशिप संलेख आता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, ठीक है, उसमें सारे पार्टनर्स के कर्तव्य क्या क्या, उनके अधिकार होंगे, क्या राइट्स होंगे, है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज जो कहते हैं वो होंगे, व्यापार में कौन क्या करेगा, इसका सारा उल्लेख होता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में इसका वर्णन है। अब दूसरा एस्पेक्ट भी है, अगर हम साझेदारी प्रथा में हम जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं है, बिना संलेख के हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या राइट्स होंगे, उनके क्या ड्यूटीज होंगे। तो उसमें जो है साझेदारी अधिनियम 1932 में सेक्शन 12 से सेक्शन 12 से लेके उसको धारा 12 से लेके धारा 17 तक, उसमें उनके राइट्स, कैपिटल, सारों का वर्णन होता है। तो पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर पार्टनरशिप एक्ट में आप रजिस्टर्ड है, 1932 में रजिस्टर्ड है, तो एक डीड होता है, पार्टनरशिप डीड जो कहते हैं, पार्टनरशिप संलेख है, उसमें क्या क्या वर्णन है, क्योंकि जब आप उस संलेख पे वर्णन किए हुए के हिसाब से काम करेंगे तो आपका एक लाइन और लेंथ होगा, बिजनेस का आकार होगा, प्रकार होगा, क्या करना है, नहीं करना है, कितना किसके राइट्स है, उसमें सारा वर्णन होता है, उससे आप थोड़ा भी डिग नहीं सकते, सारे के सारे आपके राइट्स एंड ड्यूटीज में दिए रहते हैं। तो पहले मैं आइए, मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के कुछ बारे में लिखा, जैसे पूजी के बारे में। ऑब्वियसली जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं हम, तो हमें पूजी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि कितनी पूजी हमें लगेगी, उसमें कौन कौन से पार्टनर कितना लगा रहे हैं, पूजी हमारी अचल है या फ्लोटिंग है, है ना, फिक्स्ड है या अचल, कितना लगाना पड़ेगा उसमें, पूजी पर हम जो लगाएंगे उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, इन सब का वर्णन कैपिटल के एक शीर्षक में दिया रहता है कि कौन से पार्टनर कितना कैपिटल लगाएंगे, उनको कैपिटल जितना लगाएंगे, एक्सेस लगाएंगे, तो उनको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका वर्णन रहता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अब दूसरा आता है आहरण। भाई ऑब्वियसली जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हमने कैपिटल लगाया है, तो अगर मुझे कहीं अकस्मात कोई जरूरत हो गई तो हम आहरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर हम आहरण करते हैं तो कितना कर सकते हैं, अगर आहरण करते हैं तो आहरण पे ब्याज देना होगा या नहीं देना होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उस व्यापार से उस वस्तु अपने आवश्यकताओं की जो पूर्ति जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसे करते हैं, क्यों कि वह हमें परचेज रेट पे मिलता है,
और अगर हम बाहर से लेंगे तो बिक्री मूल्य पे मिलेगा, जो हमारे लिए नुकसान होता है कभी कभी, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो एक एक रुपए के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो जब हमें इजी अवेलेबल है तो हम अपने ही साझेदारी में से ले लेते हैं और उसको आहरण के अकाउंट में, आहरण के खाते में उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब लाभ और हानि साझेदारी पर ले, इसका भी वर्णन होना चाहिए। होना क्या, होता ही है, होता है इसमें। अब लाभ का प्रतिशत क्या होगा, मेरे द्वारा लगाई गई पूंजी के रेशियो में होगा या कोई पैसिफिक लाभ का रेशियो है जिसमें हमें और अदर पार्टनर्स को दोनों रेशियो में मिलेगा। मतलब चार पार्टनर है, अब मान ले सबने असमान पूंजी लगाया हुआ है, तो अब कभी कभी पार्टनरों में कंफ्लिक्ट हो जाता है कि मैंने पूंजी इतना लगाया, उसने इतना लगाया, तो बराबर कैसे हो सकता है। तो या तो हम उसको पूंजी के अनुपात में उसको लाभ दे देते हैं या फिर कोई और रेशियो आपसी समझौते से उसको डिक्लेयर करने के बाद जो साझेदारी संलेख होता है उसमें हम उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, उसमें उसको हम लिख देते हैं, जिससे भविष्य में लाभ के बंटवारे के समय कभी कोई भी कंफ्लिक्ट एक दूसरे पार्टनरशिप में ना हो, जिससे हेल्दी पार्टनरशिप नहीं होगा। क्योंकि बार बार झगड़ा अगर होगा प्रॉपर्टी का, आपको भी पता है कि सारे झगड़े पैसों को लेके होते हैं पार्टनर्स के, बहुत सारे पार्टनरशिप, बड़े बड़े पार्टनरशिप टूट जाते हैं प्रॉफिट के लेके, कि क्यों, ऐसा क्या है कि उसे कम मिलेगा मुझे ज्यादा मिलेगा, या उसे ज्यादा मिला मुझे कम मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका भी जब हम साझेदारी फर्म में जब हम रजिस्टर्ड होने जाते हैं उस वक्त इसका वर्णन कर दिया जाता है। अब आइए आता है ऋण। ठीक है, अब ऋण के मामले में कि पार्टनर से ऋण लिया जाएगा या आउटसाइड ऑफ द पार्टी से लिया जाएगा, आउटसाइड ऑफ द पार्टी कोई थर्ड पार्टी मुझे दे दे या हम बैंक से लोन ले लें, इसके बारे में भी हमें, अगर कोई पार्टी लोन, अगर इंटरनल पार्टी अपने कैपिटल से ज्यादा पूंजी लगाती है तो उसे हम कोई इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, इसका वर्णन भी इसमें सरनाइज अस्पष्ट लिखना होता है। ताकि देखिए पार्टनरशिप कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये सालों साल चलता रहता है, तो बहुत जरूरी है कि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई विवाद ना हो जिससे पार्टनरशिप अनहेल्दी हो। देखिए जहां हेल्दी कंपटीशन होगा वहां आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां अनहेल्दी कंपटीशन होता है वहां पे एक दूसरे की टांग चवल होती है, जिसमें पार्टनरशिप बहुत लॉन्ग समय के लिए नहीं चलेगा और पार्टनरशिप वो डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आइए वेतन कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। अगर मान लीजिए कोई साझेदार अपने जो उसके पार्ट का कर्तव्य है या कोई फर्म के द्वारा उसे काम का प्रेशर दिया गया है या कहा गया है कि आप इस कंपनी की इस साझेदारी प्रथा को चलाइए, तो उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कौन कौन से काम के लिए इन्हें कमीशन दिया जाएगा या वेतन के रूप में इन्हें भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है कि दिया जाए, लेकिन अगर कोई से कोई उल्लेखित है कि अगर मान लीजिए उस सेल बढ़ाने के लिए या बिजनेस के प्रमोशन के लिए किसी को कोई कमीशन दिया जाए, कमीशन तो ऐसे दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए कोई वेतन के लिए उनसे लगाया गया हो कि आप ये काम करेंगे तो इस काम के एवज में आपको, इस काम के बदले में कुछ आपको वेतन प्रॉफिट के अलहदे, प्रॉफिट हट के आपको दिया जाएगा। मतलब जो उसका प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट एंड जो आपको रेशियो में मिल रहा है उस रेशियो से हट के उसको वेतन देने की या कमीशन देने की बात चलती हो। अब आइए नए साझेदारों का प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा अन्य। अब कोई पार्टनरशिप है में, हमारे एक्ट में अगर कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होना चाहता है तो पार्टनर क्या क्या लेके आता है, कैपिटल के साथ साथ ख्याति गुडविल भी लेके आता है या कुछ और भी एसेट्स के तौर पे लाता है, इसको देखना बहुत जरूरी होता है। और जब नया पार्टनर कोई आता है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है
उसके प्रॉफिट का परसेंटेज भी फिक्स करना। वो कैसे होगा? उसके लाए इसके द्वारा लाए गए कैपिटल के माध्यम से, या उसके द्वारा लाए गए ख्याति के रेशियो में, या कोई और एसेट्स ले आता है, उस हिसाब से हम उसको किस हिसाब से उसको हम किस रेशियो में उसको प्रॉफिट में हम उसको हिस्सेदार बनाएंगे, देखना। अब पार्टनर्स जब नया एडमिट हो गया, ठीक है, एडमिट हो गया, ओल्ड पार्टनर सब मिल गया, सबके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो अलग 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 बांट दिए गए। अब उसमें कोई पार्टनरशिप कब अवकाश लेना चाहता है, कब सेवानिवृत्त होना चाहता है या रिटायरमेंट लेना चाहता है, इसका भी वर्णन अस्पष्ट तौर से पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी हाल में होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप डिड पूरा होता है। एक एक चीज की माइनटली, ताकि भविष्य में कभी कोई शंका ना रहे, कभी कोई विवाद ना खड़ा हो। अगर किसी ने, किसी पार्टनर्स ने अगर इन राइट्स एंड ड्यूटीज या प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के लिए या किसी और के लिए अगर बात प्रस्तुत करे तो कोर्ट में भी चले जाते हैं कुछ लोग। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड का होना, क्योंकि इसी पार्टनरशिप डीड के आधार पर उनको जजमेंट दिया जाता है, उनको न्याय मिलता है। अब आइए, साझेदार के दिवालिया होने पर शर्त क्या है? कोई साझेदार अगर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंस, ठीक है, अगर दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया होने के कई कारण होते हैं। या तो उसकी कैपिटल डूब जाए, ठीक है, या वो पागल हो जाए, या वो बिजनेस में कार्य करने में असमर्थ हो। तो यहां पर इस विवाद को किसी भी हाल में डिफाइन करना होगा कि मरे आए गार्नियर का नियम लागू होता है, जिसके आधार पर उसके दिवालिया होने पर इस थ्योरी को यहां पर लागू किया जाएगा। उसी के आधार पर उसको जजमेंट मिल जाएगा कि वो उसकी पूंजी को कैसे उसको हम चुकता करेंगे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को जो रेशियो है उस हिसाब से देंगे, या कोई दूसरा पार्टनर लेगा, ख्याति का कैसे वर्णन किया था। ये सारा जो है चैप्टर नंबर 4 में, जब हम डिसोल्यूशन पढ़ाएंगे आपको, साझेदारी का अवकाश उसमें पढ़ाएंगे, या दिवालिया उस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। अब आइए, इसमें फर्म द्वारा पुस्तकों को रखना। कंपनी एक्ट के अनुसार पुस्तकों का, लेखा पुस्तकों का रखना आवश्यक है, क्योंकि उसमें सारे डिटेल होते हैं। बट लेकिन साझेदारी प्रथा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम यहां पर कोई भी किसी तरह का हम बुक रखे या ना रखे। इसे हम वैसे ही डील करते हैं जैसे एकाकी व्यापार को हम डील करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने हिसाब से पुस्तकों का मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब आइए, फर्म का बीमा होगा या नहीं होगा, ये इच्छा भी जो है ये पार्टनर्स के ऊपर छोड़ दी जाती है। एक कलम और भी आती है, फर्म का बीमा होगा या नहीं होगा। फर्म का बीमा से मतलब क्या है कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, व्यापारिक व्यवहार, याद रखिएगा, व्यापारिक व्यवहार जो आप कर रहे हैं, जिस तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका बीमा ये सारे पार्टनर्स के ऊपर छोड़ दी जाती है कि आप चाहे तो बीमा कराएं, चाहे तो ना कराएं। बहुत सारे साझेदारी प्रथा चलाने वाले लोग बीमित हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर व्यापार में, मान लीजिए गोडाउन में किसी में आपने माल रखा है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, या स्टोलन बाय द थीफ हो जाए, चोरों के द्वारा चोरी कर ली जाए, तो उस माल में पूरा मूलधन ना बर्बाद हो, इसके लिए कुछ करते हैं कि बीमा से कुछ पोर्शन तो हमें वापस मिल जाता है, जिससे पूरी कैपिटल डूबने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि माल जो हमारा फर्म है वो बीमित होगा या नहीं। तो बच्चों, मैंने आपको
आज पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया आपको। अब आइए पार्टनरशिप अधिनियम 1932 में दूसरा पक्ष भी है। अगर अगर साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे, ये भी तो होगा ना कि क्या अधिकार। एक तो पहले अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे और एक अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चलेंगे, क्योंकि हर हाल में पार्टनर्स के हित को सुरक्षित रखना ये कम पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत बड़ा उसका ध्येय है कि हर हाल में पार्टनर्स सेफ हों। तो अब इसका देखिए वर्णन जो है कम ये पार्टनरशिप अधिनियम 1932 में सेक्शन धारा 12 से लेके 17 में इसका वर्णन किया गया हुआ है। कैसे, अब बताता हूं कि कैपिटल कितना लगेगा है? सेम चीज वही है, थोड़ा बहुत कैपिटल कितना लगेगा, किस रेशियो में कैपिटल पार्टी लगाएगा। पार्टी अगर कैपिटल लगाता है, ठीक है, पार्टी अगर कैपिटल लगाता है तो किस रेशियो में उसे ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं ना, कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब पार्टनरशिप का अभाव है तो इसमें कोई भी कैपिटल में ब्याज उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। आहरण, आहरण क्या होता है, देखिए आहरण जिसको कहते हैं ड्राइंग करना, अगर कोई पार्टनर उसमें अगर कोई ड्राइंग करता है तो उसको सशर्त जितने का वो ड्राइंग करता है उसे उतने का उसको फर्क को ब्याज देना पड़ेगा। लाभ और हानि का जो है परसेंटेज, अगर पूंजी बराबर बराबर है तो उनको लाभ और हानि में बराबर बराबर का उनको किसी भी हाल में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, बांटने का उनको अधिकार है। अब आता है ऋण, अगर कोई पार्टी अगर कोई साझेदार अपने लगाए गए पूंजी से अगर अपने लगाए गए पूंजी से अधिक पूंजी साझेदारी प्रथा को चलाने के लिए अगर लोन के तौर पर दिया जाता है उसे 6% वार्षिक ब्याज देने का और पाने का अधिकार है। याद रखिएगा इस बात को, किसी आदमी पाने का अधिकार है उसको। अगर कोई साझेदार सभी साझेदारों के बिहाफ पे यानी उनके अनुपस्थिति रहने पे अगर वो कोई काम व्यापार की उन्नति के लिए करता है तो उसको एक निश्चित कमीशन और वेतन का प्रावधान किया जा सकता है। उसके बाद है यदि अगर कोई पार्टनर साझेदारी प्रथा के साथ साथ कोई और भी व्यवसाय करता है तो उसके द्वारा कमाई गई जितनी पैसा है वो साझेदारी प्रथा में ही जोड़ी जाएगी। यदि कोई साझेदार ऐसा व्यवहार करता है जिससे साझेदारी को नुकसान पहुंचता है, क्षतिपूर्ति पहुंचता है, तो जितने पार्ट का इस साझेदारी प्रथा में उसको नुकसान हुआ है उस पूरे नुकसान को उस पार्टनर से वसूला जाएगा जिसके द्वारा नुकसान किया गया है। याद रखिएगा जिस पार्टी के द्वारा यानी साझेदार के द्वारा अगर फर्म के साथ चीटिंग किया गया हो या ऐसा कोई कृत्य किया गया हो जिससे पार्टनरशिप को नुकसान हो रहा हो तो जिसने पार्ट का नुकसान उसने साझेदारी प्रथा को किया है उससे उतने पार्ट को वसूला जाए, क्षतिपूर्ति को वसूला जाए। समझ में आया? अब आता है कि कोई साझेदार कई साझेदार अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जागरूक रहेगा, जितने हिस्से का वो साझेदार है उतने का वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है उसको, ठीक है। उसका साझेदारी प्रथा को अगर सारे साझेदार उसमें हैं तो प्रत्येक साझेदार को साझेदारी प्रथा को चलाने के लिए सबके कर्तव्य और अधिकार बराबर बराबर होंगे। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने
निरीक्षण करने और उसका फोटो स्टेट प्रति लेने का, सेकंड प्रति लेने का अधिकार होगा। ये साफ साफ कहता है, अगर डीड नहीं है तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए, ये तो सारे हमारे पार्टनरशिप जब संलेख के अभाव में है, अब आइए हम आपको बच्चों बताते हैं पार्टनरशिप में पुस्तकें रखी जाएंगी या नहीं। तो पार्टनरशिप एक्ट जिसको कहते हैं साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, ठीक है, अनुसार कंपनीज के अनुसार, कंपनी के अनुसार कोई बद्धानी पुस्तक रखने का कोई अनिवार्यता नहीं है। आप ये तो रखिएगा, किसी साझेदारी प्रथा को कंपनीज एक्ट के अनुसार कोई वैधानिक पुस्तक रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन लेकिन अगर आप साझेदारों के आपसी सहमत से, ठीक है, आपसी सहमत से अगर चाहें तो कुछ बुक्स को वो रख सकते हैं, नहीं तो जैसे एकाकी व्यापार चलता है ना, एकाकी व्यापार चलता है, उसी के आधार पर वो बुकों को अपना मेंटेन करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, कौन कौन सी पार्टनरशिप पुस्तकें हैं जो रखी जाती हैं। पहला है पूंजी खाता, ऑब्वियसली कोई पूंजी देगा तो उसके लिए एक रिकॉर्ड तो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर पूंजी पे कोई ब्याज दिया जाता है, सब पूंजी से ज्यादा कोई ब्याज लगाता है, या कोई ऐसा पार्टनरशिप डीड में उनके साथ पहले अनुबंध कर दिया गया है कि हम आपको पूंजी जितना लगाएंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का एक ही कारण, प्रॉफिट में से दिया जाएगा, याद रखिएगा, प्रॉफिट में से देंगे, ना कि जो कैपिटल जमा उसमें देंगे, इसको प्रॉफिट जितना होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब आइए चालू खाता, चालू खाता क्या है, चालू खाता में हमें ज्यादा से ज्यादा जो हम आहरण करते हैं उसको हम मेंटेन करते हैं और जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन है उसको मेंटेन करते हैं। अगर आहरण एक से ज्यादा साल भर में किया गया हो तो इसको चालू खाता में मेंटेन करना थोड़ा कष्टदायक होता है, इसके लिए हम एक आहरण, आहरण का ड्रॉइंग अकाउंट भी हम खोल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हमने किया हुआ है आहरण का, ड्राइंग का, तो अब उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना होगा, तो एक खाता हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हम खोल देंगे। बच्चों इस तरह से हम कई पुस्तकों को रखने का एक आपसी समझौते से इसमें महत्व दिया जाता है कि कई पुस्तकें रख सकते हैं, जैसे कैपिटल का हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, करेंट अकाउंट, चालू खाता, आहरण खाता, और उसके बाद हम रखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, यानी कि आहरण पर दिया गया कर्ज। ये सारी बुक्स इतनी रखी जाएगी। अब मैं आपको, मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा डीड हो, मतलब पार्टनरशिप डीड, मतलब संलेख हो, और संलेख के अभाव में मैंने पार्टनर्स के कर्तव्य और दायित्व के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। आपको मुझे जहां तक लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कोशिश करिए कि आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं कैलकुलेशन ऑफ आपको प्रॉफिट, है ना, कैपिटल पे कैसे करेंगे और प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आहरण का कैसे कैलकुलेशन करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे करेंगे, ये सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। बच्चों पढ़िए, बहुत जरूरी है पढ़ना, जिंदगी में अगर कुछ पढ़ना है तो सिर्फ एक ही और एक ही माध्यम है, वो है पढ़ाई। जितना ज्यादा अपने आप को निखारेंगे उतना आगे जाएंगे, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बातों को कहने का एक अपना स्किल डेवलप करिए। ठीक है, बाय बच्चों।